वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। अगे साखी गुरु नानक जी दी कुड़माई दी चली, ता श्री गुरु नानक जी दी उस्तत होवे। हिंदू मुसलमान कोई आवे, सब दी जाचना पूरी करन। ता एक दिन मूला चोना गुरु नानक जी नू देख गया, मूला पखोके रंधाव्या दा पटवारी सी। कर वटाले विच सन ता मूले जय राम दे कर बेबे नानकी दे पास शगन पेचया। सम्मत 1550 विच सगाई लेके ब्राह्मण आया, ते बेबे बड़ी प्रसन्न हुई। लगियां वधाइयां मिलन ते बेबे जी 100 गुणी कर मन्ने। ता जय राम ने चिट्ठी लिखी केसर छिणकिया, ते मैते कालू ते अम्मा बीबी नू खबर कली, अते वधाई दवाए पेची, अते सब परिवार नू सद्दा भेजिया। जो तुसी आवो ता चौकड़ खरीदिए। जा कालू ने सुनिया, सुनकर बहुत खुशी होया। जेहड़ा खबर लेके आया सी तिसदा मुंह खंड नाल अपनी हथी भरिया, अते अम्मा बीबी बड़ी प्रसन्न हुई। परमेश्वर दा बहुत बहुत धन्यवाद करे, अति कहे तन ओह निरंकार है, जिस दी कृपा करके एह नानक पुत्र मेरे घर विच होया। अते फेर बड़ी कृपा ए है, जो नानक जी दे स्वार्थ दा दिन होया है, ते मैं बलहारी हां उस मुंह थी जिस मुंह थी नानक जी दी कड़माई दी खबर सुनी है, ते वधाई दित्ती है। रात नूं जितना कबीला बेदियां दा आहा, सारे परिवार नूं सद के सावन बठाया, अते सबे मिलके शरीकणियां एहो आखन जो साडे बेदियां दी वंश विच नानक भला जीओ पैदा होया है, साडी कुल दा सूरज रोशन होया है, जो धर्म दी कुड़माई हुई है, ते साडी कुल निर्मल कीती है सो। अते अम्मा बीबी ने अपने पेक्या नू माजे वधाई लिख भेजी। ता अम्मा बीबी दा प्यो रामा जात दा चंगड़ गुरु नानक जी दे नानके ते महते कालू दे सौरे तिना दी तरफ खबर लिख भेजी, अते आख भेजिया तुसी तलवंडी आवो, ता रल के सुल्तानपुर चलिए और चौकड़ खर्च करिए। ता उथों नानी पिराई आई, अते मामा कृष्णा अते नाना रामा सबे तलवंडी आए पहुंचे। कालू नू मिले बड़ी खुशी हुई, अते फेर तलवंडियों इकट्ठे होए कर चले कालू ते लालू बेदी, अते अम्मा बीबी अते रामा ते कृष्णा चंगड़ अते नानी पिराई। 6 आदमी तैयार होए, 2 नफर रामे नाल ते 4 होर सबे 12 आदमी सुल्तानपुर नू चले। ते रामे चंगड़ ने बहुत कुछ खर्च करन वास्ते लीता। जद तुरन लगे ता कालू राय बुलार पास विदा होवन वास्ते आया, ते राय बुलार दे पास जा खड़ा होया। राय बुलार ने आख्या क्यों कालू, ता कालू ने आख्या राय जी गुरु नानक जी दी कहानी पखोके रंधावे होई है, और असी चौकड़ खर्चन जांदे हां, असानू रजाए देवो। ता अगों राय बुलार ने कहा सुन कालू, अगे नानक जी है खबरदार होई। ता कालू ने कहा हे राय जी मैनू विश्वास कत्योई। ता राय बुलार ने कहा ना कालू, मैं तेनू होर वास्ते आख्या है, क्यों जो ओ अगे साध है मत कोई विगाड़ करदा होवे। ता कालू ने आख्या ना राय जी ए ता मेरी मुराद है, अते राय जी तुसी परमेश्वर ने जोग कीते हो, सगो तुसी मेहरबानगी करके आखो जी। ता राय बुलार कहा जा कालू तेनू मुबाह होवे, परमेश्वर अपनी मेहर करेगा, अते सब काज तेरे अच्छे होणगे, पर मेरे हुंदा बहुत बहुत हित करके बाबे नानक जी दे कदमां ते हाथ लावीं, बगल विच लैके मत्था चुम्मी।
अते मेरी तरफों दोवे हथ जोड़ के बंदगी आखी अते जय राम नू भी मेरी बंदगी कही अते हुण जा तैनू साईं दी पनाह है। ता कालू राय बलार पासों विद्या होया अते शकड़े ते सवार होकर सुल्तानपुर नू चले। पंजवे दिन सुल्तानपुर आए परमानंद पलती दे कर जाए वड़ी अगों वधाइयां मिलन लगियां ता गुरु नानक जी नू खबर होई माता पिता आए हन ते चाचा लालू भी अते नाना रामा अते मामा कृष्णा अते नानी पराई भी आई है अते मर्दाना डुमेटा भी आया है ता गुरु नानक जी मोदी खाने तो उठकर आया आमदया ही कालू दया पैरां ते टह पिया अगों कालू ने बगल विच लीता ते मत्था चुमया ता गुरु जी पुछया पिता जी राय जी ता राजी आहे ता कालू ने आख्या पुत्र पला याद दिवाया है राय जी ने तेरा मत्था चुमना आख्या सी असानू विसर गया सी ता कालू ने राय बुलार दे हुंदे नानक दा मत्था चुमया अर सिर ते हाथ फेरिया गुरु नानक जी अम्मा बीबी दया पैरां ते पिया ता फेर चाचे लालू दया पैरां ते पिया ता अगों लालू ने श्री गुरु जी नू गल विच दीता अते आख्यो उस पुत्र नानक तू असाडे कुल निर्मल कीते हन पर अगों दी खबर परमेश्वर जाने एथे ता निर्मल कीते हन ता फेर गुरु नानक जी ने नाने रामे दे पैरां उत्ते मत्था टेकिया ता नाने रामे ने गुरु नानक जी नू गल विच लीता पर गल विचों छड़ो नाही ता रामा इधर उधर देखे जो मंगता भी कोई नहीं नानी पराई ने आख्या तू इस नू गल विचों छड़ ता रामे ने पराई नू आख्या हे बंदी परमेश्वर दी जा मैं वीर पै नानक जी दे सिर तों वार सुट्टांगा ते मेरी सिख पूरी होवेगी ता नानी भराई ने आख्या जो तू वीर पै वार सुट ता रामे आख्या कोई मंगता भी लैण वाला होवे ता नानकी ने आख्या जा नी तुलसा कोई मंगते हैं ता सद लियाओ ता तुलसा दासी शहर विच्चों मंगत्या नू बुलावण गई ता ढूंढ कर तुलसा मंगत्या नू ले आई ता फेर नानकी ने आख्या नाना जी 20 रुपए रोक वारोगे के टके मंगाए करवारोगे ता रामे झंगड़ आख्या बेटी जिस तरह तू आखेंगी सो त्यों ही करांगे ता फेर नानकी कहा नाना जी टके मंगावो ता रामे ने पुत्र कृष्ण नु आख्या हे कृष्ण 20 रुपए दे टके ले आओ ता पिराई ने आख्या पुत्र 10 रुपए मेरे पासों लेके मेरे भी टके ले आओ ता 5 रुपए दे टके अपने पासों कृष्णा ले आया ता सबे 35 रुपए दे टके आए कृष्ण ने 20 दे टके पिता रामे नू दित्ते अते 10 दे टके अम्मा पिराई दे हाथ दे के 5 दे अपने पास रखे सबो टके वारा फेर कीते 20 दे टके रामे ने वारे अते 10 दे टके नानी ने वारे 5 दे टके मामे कृष्ण ने वारे ता सबो 35 रुपए दे टके गुरु नानक दे सिर उत्तों वारे सम्मत 1550 मिति मगर सुदी पंचमी वीरवार सुल्तानपुरों पले मुहूर्त नाल चले। कौन कौन चले? कालू रामा कृष्णा परमानंद पलता पाईए जय राम दा पिता अते पाईया जय राम पलता अते होर नफर चाकर अते परमानंद पलते ने ते जय राम ने निदे ब्राह्मण नू आख के रमदावे ग्राउंड विच भेजिया अते पखोके रमदावे दा चौधरी जिता रमदावा सी जिस दा पटवारी मूला चौना है सी तिस दे कर जाए कर निदे ब्राह्मण ने खबर कीती जो मेहता मूला जी सुखी रहो ता अगो मैते मूले आख्या नमस्कार पांदा जी अते फेर कहा पांदा जी आप दा आवन क्यों कर होया है ता निदे कहा मूला जी सुल्तानपुर तो आया हां अते जय राम ने मैनू कहा जो पांदा मूले चोने नू जाए कर खबर कराओ
जो मेहता कालू लालू रामा कृष्णा जय राम आए हन, सो मैं इस वास्ते आया हाँ। मूले आख्या पांधा जी मेरे सिर मस्तक पर आओ, ता ऐतवार दसवीं नु पहर दिन चढ़े पखोके गिराए विच जाए वड़े। अगो मूले ने समयान कर रख्या सी, ता जाए परमानंद पलते ने अपनी हथी चौकड़ खर्चिया ते वधाई देकर लेकर जो कुछ राह रों सी सो सबो ही करके दोहां दी तरफों बड़ी प्रसन्नता होई खुशी होई। ता कालू ने आख्या पाई परमानंद पलता जी तुसी साहा वी पाई मूले पासो मंगो, ता परमानंद पलता मूले चोने नू एकंत ले बैठा अते शरीकी दिया वार्ता कीतियां। गल्ला करद्या करद्या विच ए भी गल कही देखो मेहता मूला जी, नींगर भी जवान है अते लड़की भी सियानी ही है, सो तुसी साहे दी तैयारी भी असानो नाल ही कर दे हो। ता अगों मूले जवाब दिता भाईया जी तुसी खातर जमा रखो, एक वारी असानो मोहलत देवो एक बरस दी, फेर असी तुहानू अच्छा साह सुधाए कर लिख भेजांगे। ता फेर लालू कालू परमानंद पलता ते जय राम सुल्तानपुर जत पत नाल आए वड़े, अते वधाइयां मिलन लगियां। ता बेबे नानकी ने शरीकनियां सद के गावन बहालियां। ता चौथे दिन कालू और लालू तलवंडी नू आवन लगे, ता मर्दाने डुमेटे ने आख्या हे नानक जी कुछ अपनी वधाई असानू भी देवो। ता गुरु नानक जी ने कहा कहो मर्दाना की लेना है, असा दा ता तेरे नाल बड़ा काम है। ता फिर मर्दाने कहा गुरु जी तू मेनू काई पली वस्तु देवो जी। गुरु नानक जी कहा मर्दाना पली वस्तु लेंदा है पर पली वस्तु ते रांझ हो जासे। ता मर्दाने कहा गुरु जी काई पली वस्तु देवेगा ता मैं रांझ क्यों होवांगा। ता गुरु नानक जी आख्या मर्दाना तुसी मरासी लोग हो और अगली गल तुसी जान दे नहीं। फिर मर्दाने कहा जो हे नानक जी काई पली वस्त जान दे हो ता सोई असानू देवो जी। ता गुरु नानक जी कहा मर्दानिया असी तैनू तार दा गुण दिता सो किथे है असानू लोड़ी दा आहा। ता मर्दाने उठकर ताजीम कीती ते कहो सहे गुरु जी जिथे तुद रखिया होवेगा ओते ही पिया होवेगा। ता गुरु नानक जी अपने गल थी चोलना मर्दाने नो ला दिता। ता मर्दाने चोलना अपने गले पाया। ता फेर गुरु नानक जी कहा मर्दानिया तू एक असाडा बचन मन। ता मर्दाने आख्या फरमाइए गुरु जी। ता फेर गुरु नानक जी कहा सुन मर्दाना तू वेदियां दा मरासी है अते होर सपासो मंगना नहीं। ता मर्दाने कहा गुरु जी मैं एह गल मन्नी पर जी तुसी साड़ी सार विच रहो। ता गुरु नानक जी कहा मर्दाना करतार सबना दी सार विच है। ता मर्दाने गुरु जी दे अगे मत्था टेकया। ता सर्ब परवार करानु विद्या होए अते गुरु नानक जी दी चाल ओहा ही रही जो कदीम दी आही। पावे कोई साध संत फकीर आवे जो सवाल आए के करे खाली कोई ना जावे। अते लोकां विच भी एहो गल मशहूर आन होई जो नानक जय राम दा साला देखो अज कल किधरे निकल जांदा है। एहो गल्लां पईयां होण जिथे किथे अते बेबे नानकी नू अते पाईए जय राम नू लोक भी आन के एहो गल्ला आखन की सुन जय राम सानू एहो सुझदी है जो आज भी अते कल भी नानक निकलिया खड़ा जान असी तेरे मुड कदीम दे मित्र हां। ता तेनू आख दे हां जो इस साले दे पिछे नवाब दी वल्लों तेरी पत रहे तेनू कुछ भरना ना पवे। ता जय राम घर आए कर बातां करे देख परमेश्वर की बंदी। लोग आख दे हन मैं क्या करा नानक दी चाली ओहो चली जांदी है।
नानकी आखे देखना महाराज जी, लोकां दे कहे मत परमणा, अर जय राम अंदरो अंदर गिनतियां खावे पर बाहरों साह ना कड्डे, ता इसे तरह कितना को चुर बीतया, ता एक दिन गुरु नानक जी आपे ही जय राम नु आण के कहया, पाईया जय राम जी सरकार का हिसाब दवाइये, लेखा कितिया बहुत दिन होए हन, ता जय राम नवाब दे पास आया ते अर्ज कीती उस नवाब साहेब, सलामत नानक आप दा मोदी अर्ज करदा है, जे हिसाब सरकार लवे ता बहुत पली बात है, ता नवाब ने कहा जय राम नानक को बुला कर ले आओ, ता जय राम निदे ब्राह्मण को भेज कर गुरु नानक को बुलाए भेजया, ता गुरु नानक जी वहीं लेकर आए, ता जय राम पी अते नानक जी भी नवाब दी कचहरी में आए, बाबा नानक जी वड्डे प्रसन्न हुए आए, नवाब को सलाम कीते अते वहिया भी साथ ही ले पहुंचे, ता अगो नवाब ने कहा अरे मोदी तेरा क्या नाम है, ता गुरु जी कहा नवाब सलामत मेरा नाम नानक निरंकारी है, ता नवाब ने कहा अरे जय राम मैंने तो कुछ नहीं समझया, जो मोदी ने क्या कहा है, ता फिर जयराम ने फारसी विच नवाब को कहा कि नवाब जी जिसको आप बेचून बेनमून और जिसदा रंग रूप नमूना कोई नहीं है, उस करनहार की सिफत करने वाला बंदा हूँ। नवाब ए सुनकर के हस्या अति आख्योस जयराम मोदी दा व्याह किया है कि नहीं, जयराम बोलिया नवाब मोदी दा व्याह अब होने वाला है, आपकी मेहरबानगी होगी तो अभी विवाह हो जावेगा, ता नवाब ने हंस के हंसी करी जो मोदी तब ही कहते हैं मैं उस करनहार का बंदा हूँ, जिसको वेद पुराण कुतेब कुरान नेत नेत कहते हैं, जो बेहिसाब है जिसदा हिसाब कोई नहीं पाया जांदा, सो ओ सिफता का साहिब जो है तिसका बंदा हूँ, सो ए बात उतना सिर सच्ची है जब तक ए विवाहया नहीं, ते जब इस दी औरत इस दे घर में आवेगी तब सिफती बंदा होगा के ना होगा, पिछे जपी तपी रिखी मुनि कितने ही पीर फकीर हुए हैं, जब औरतों के अंग उन्होंने देखे हैं तब उनकी मत टिकाने नहीं रही, अनगिनत ही ऐसे हुए हैं, ता बाबा नानक जी तिसको उत्तर देते पए कि हे नवाब जी जिना दे मन विच परमेश्वर दा प्रेम पूरा नहीं, उनकी एह बात है अर जिना दा मन कदी परमेश्वर नाल व्यथ नहीं करदा, हर वक्त बंदगी मन में परमेश्वर दी जिना दे लगी हुई है, परमेश्वर नु हाजरा हजूर जान दे हन, कदी भगवंत को दूर नहीं जान दे, उना दे मन को औरत ने क्या करना है, जिस औरत दी देह में लहू मेज हड चमड़ा मल मूत परे हैं, ऐसी औरत का बल उना ऊपर नहीं पड़ता है, ओह परमेश्वर दे प्यारे तिसको जप के परमेश्वर रूप हुए जांदे हन, तब नवाब नानक जी की दृढ़ प्रतीत परमेश्वर वाल देख कर और बात कहन लगा, नवाब ने हंस के कहा सुनो नानक मैं बहुत वारी सुनिया है, जो तू हमारे टके बहुत लुटावदा है, तू मुझको जानदा नहीं मैं दौलत खां लोदी हूँ, ता गुरु नानक जी कहा नवाब सलामत लेखा लीजिए, जे कुछ हमारा हिसाब निकले सो आपकी खुशी आवे तो दीजिए, नहीं ता ना दीजिए, झूठा सच्चा अभी देख लीजिए, ता नवाब ने कहा अरे जयराम ए मोदी किस रौंस पर बोलदा है, ता जयराम ने कहा नवाब सलामत मोदी सच कहंदा है, मोदी खता वाला नहीं, ता नवाब ने कहा जादो राय को बुलाओ, ता जादो राय को आदमी बुलावने गया, ता जादू राय ने आ सलाम कीता,
ता नवाब ने हुक्म दिया जादू राय नानक से तुम हिसाब लेवो। ता जादू राय ने कहा पला नवाब सलामत बहुत दिना दा हिसाब है। देखिए किस दी तरफ बहुत कुछ निकलता है। आमदन खर्च देख लीजिए बारंबार लोग नवाब को कहन दे से नानक मोदी लुटांदा है और पैसे फकीरां नूं देंदा है। ए बात नवाब दी सुनकर जादू राय दी भी मन भाम दी बात हुई कि नानक हमारे को कभी नहीं कुछ देता था। ए सुन के जादू राय ने कहा अरे नानक जो पैसे तुम्हारी तरफ निकलनगे तो उठने तब देऊंगा जब तेरे ते ले लाऊंगा और फिर मोदी खाने पर बैठन भी ना पावेगा। हमारे को तूने कभी रिश्वत नहीं दी। फिर एक जगह ते बैठ गई। 5 दिन हिसाब होता रहा। कई अड़ावणियां जादू राय ने पाईया पर परमेश्वर नाल अते सच नाल कोई बात पेश नहीं जांदी। पर जो रुपया नवाब दे घरों मिलिया सी सो सब लिखवा लेता। पीछे जो रुपया नवाब दे घर पहुंचा सो भी लिख देता। ते 321 रुपए नानक जी दा वादा निकले। ता जादू राय शर्मिंदा होकर बैठ गया। ते जय राम ने नवाब नू कचहरी विच आ सलाम कीती। ता नवाब ने कहा क्यों जय राम हिसाब हुआ है। ता जय राम ने आख्या हे नवाब सलामत तुम जादू राय को बुलावो। ता नवाब ने जादू राय को बुलाया। ता जादू राय ने नवाब को सलाम आए कीता। ता नवाब ने कहा जादू राय हिसाब लिया है। ता जादू राय ने कहा नवाब सलामत हिसाब लिया है। तो नवाब ने पूछा अरे जादू राय क्यों कर हिसाब हुआ है। ता जादू राय बोलिया नवाब सलामत 321 रुपए नानक दे ज्यादा आपकी तरफ सरकार में आए हैं। ता नवाब ने कहा अरे जादू राय हमारे या उसके। ता जादू राय क्या नवाब सलामत नानक दे सरकार ने देवने हन। ता फिर नवाब ने आख्या अरे जादू राय तू हमारे को नित यही कहता था जो नानक तुम्हारी हट को लुटामदा है और लोक भी ए कहंदे से जो नानक तुम्हारे पैसे लुटामदा है। ता जय राम ने अर्ज कीती हे नवाब सलामत लोक दुश्मनी बहुत करदे हन। ता नवाब ने कहा अरे भवानी दास खजानची नानक दे पैसे जो आमदे हन सो अभी अदा कर लो और 3000 रुपया होर दे हो। ता भवानी दास ने 321 रुपए पिछले दित्ते और 3000 रुपया होर गुरु जी नू दे दित्ता। ता गुरु नानक जी थैलियां लेकर घर नू आया। 321 रुपए हट उत्ते बाबा जी ले गया ते 3000 रुपया बेबे नानकी पास रखिया। ता जय राम बहुत ही खुश होया अते मुबारकां मिलियां। जय राम खुशी खुशी घर आए वड़िया। अगो नानकी जी ने पुछिया जो जी क्यों कर हिसाब होया। ता जय राम ने कहा सुन परमेश्वर दी प्यारिये मैं ता अजब हैरान होए रहा हां। अते लोग भी कहंदे हन जो नानक श्रीहन पैसे लुटामदा है अते जां हिसाब होमदा है हथों वादा ही निकलदा है। ता नानकी जी ने कहा जो आज क्या वादा निकलिया है। ता जय राम ने कहा सुन बंदी परमेश्वर दी 321 रुपए आज खांदियां पींदियां लुटावदियां वद निकले हन। ता नानकी ने कहा जो जी इस पासों राय बुलार बहुत वरसाना है इतना होर कोई नहीं वरसाया अते ना वरसाएगा। ता जय राम कहा परमेश्वर दी प्यारी राय एक वरसाना है इस पासो ता बहुत ही लोक वरसावेंगे। ता नानकी जय राम दे कहने करके बहुत खुशी हुई। बोलो भाई जी वाहे गुरु।